जेएनयू में खासकर एससी एसटी ओबीसी के लोग कैसे सफल होते हैं उसकी एक वानगी देखिए। मेरे साथ कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर हैं मिंज, और छत्तीसगढ़ से माफ कीजिएगा झारखंड से हैं, ट्राइबल हैं, और मुझे लगता है कि जेएनयू में ट्राइबल में प्रोफेसर इकलौती होंगी आप। नहीं, अभी तो मैं अकेली नहीं हूँ, पर बहुत समय मैं अकेली प्रोफेसर थी आदिवासी, और शायद अभी तक मैं आदिवासी डीन में अकेली हूँ, और क्योंकि मेरा सिलेक्शन रिजर्वेशन होने से पहले हुआ था 1992 में, तो इसलिए मैं फख्र से ये कहना चाहती हूँ कि मैं उन उदाहरणों में से हूँ जो कि ये साबित कर सकें कि आदिवासी अपॉर्चुनिटी की केवल मोहताज है, रिजर्वेशन के मोहताज नहीं। जयपाल मुंडा साबित कर चुके हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, पार्लियामेंट में रहे, और उसके बाद मैम क्या लग रहा है जेएनयू को खत्म करने की क्या वजह से, क्यों सरकार जेएनयू के पीछे पड़ी? देखिए, मुझे तो उसमें एक ही रंग दिखाई देता है कि मेरे जैसे लोग जो जेएनयू से पढ़ कर निकले, मैं मेरे पहले मेरे बाद, और हम लोग उन लोगों के साथ बैठकर वाद विवाद कर सकते हैं, अपनी बराबरी का प्रमाण दे सकते हैं कि हम कितनों के बराबर हैं या किसी से बढ़ के भी हैं, क्योंकि अगर जनरल सीट पे अगर सिलेक्शन हो जाता है मेरा तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों का सीट निकल गया वैसे सोचा जाए तो, परंतु मैं अनरिजर्व सीट के हकदार क्यों नहीं हूँ या क्यों हूँ, ये तकलीफ होती है ना। तो यही एक मसला है जो कि सामाजिक न्याय का जो बाबा साहब ने सपना देखा था, और ये सामाजिक न्याय की बात जेएनयू कंप्लीट कर रहा था, उसी को उस मुहिम को आगे ले रहा था। तो क्या ये जो खासकर जेएनयू को टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ जो फंडामेंटलिज्म का एजेंडा है वो नहीं चल पा रहा? बिल्कुल, ये जो ब्राह्मणवाद की सोच है ना, उस सोच के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि मेरे जैसे लोग निकल रहे हैं और मेरे जैसे लोग आपके साथ बैठ रहे हैं और आपके साथ वाद विवाद कर रहे हैं, आपकी बातों को सवाल कर रहे हैं, और इसीलिए जब देखा गया कि जब तक इसको बंद नहीं किया जाए, मतलब एम्पावरमेंट जो बोल रहे हैं शिक्षा के थ्रू और हायर एजुकेशन के थ्रू जो एम्पावरमेंट हो रहा है का जो चैनल बन गया था, उसको जब तक बंद ना किया जाए तो ब्राह्मणवाद को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। सोनी झरिया मींज है, सोना झरिया मींज है, मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि जेएनयू इसलिए खत्म किया जा रहा है कि वहाँ एससी एसटी ओबीसी की भागीदारी बढ़ रही है और वो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि वो टुकड़े टुकड़े जाएंगे। एक आखिरी सवाल मैम, जेएनयू के बारे में जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, जेएनयू बहुजनों के लिए क्यों जरूरी है? जेएनयू बहुजनों के लिए दो कारणों से जरूरी है, एक तो अपने एम्पावरमेंट के लिए, परंतु दूसरा ये है कि जेएनयू ने वो जगह दी जो कि वहाँ के टीचर्स ये बोलते हैं कि ऐसे डाइवर्स बैकग्राउंड से जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके पर्सपेक्टिव को सामने आने से हम लोग सीख सकते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी नॉलेज जेनरेशन में जो कंट्रीब्यूट कर रहा था ना, बहुजन आदिवासी दलित के पर्सपेक्टिव को जो इंक्लूजन पढ़ने पढ़ाने में हो रहा था, और इससे नॉलेज और एनरिच हो रहा था जो कि ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट जाता है, और इसलिए जेएनयू को खत्म करना बहुत जरूरी था ये ब्राह्मणवाद को बरकरार करने के लिए। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जेएनयू के पक्ष में आप क्यों खड़े हुई है, क्योंकि जेएनयू रहेगा तभी अम्बेडकर वाद हो या जयपाल मुंडा हो या बुरसा मुंडा हो उनको आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। समूह कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।